हे वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, इट्स योर अस्किया खान और हम जा रहे हैं देहरादून, मैं, सारा और साहिल। आप सोच रहे होंगे साहिल हमारे साथ क्यों नहीं है। साहिल गए हैं मेरा सूट लेने, क्योंकि वो स्टिच होने गया था तो वो शॉप रास्ते में थी, तो हमने सोचा वो सूट भी ले लिया जाए। और हम जा रहे हैं देहरादून, मतलब एक दिन के लिए। मैं रहने नहीं जा रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल मिलने जा रही थी मैं। और ये हमने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, साहिल तो है नहीं, तो ये मैं और सारा साहिल का वेट कर रहे थे। इसकी मस्ती देखो, ये कहाँ है, कहाँ खड़ी है, ये बहुत नॉटी हो रही है। शानू आप बहुत नॉटी हो रहे हो, आप बिल्कुल मम्मा का कहना नहीं मानते हो। सारा कहाँ है? सारा ये बैठी है अंदर हमारी। सारू यहाँ है, देखो इसकी, इसे यहाँ खड़ा होना था। मैं लेने लगी थी मिरर सेल्फीज, मतलब कार में, फिर मैं ये साहिल फिल करा रहे थे पेट्रोल। बट मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मतलब मैं सोचती हूँ जब भी, मतलब हम ट्रैवल करते हैं, हम ना छोटी छोटी सी जगह से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ सामान लेना। मतलब ये लोग भी तो हमारे लिए ही बैठे हैं, मतलब आप छोटी छोटी शॉप से लिया करें, कुछ अवॉइड ना करा करें। सारा देखियो, सारा तू मुझको जान ले और दिल के तुआसा। यहाँ पे ना कुछ लोग थे जो सारा के साथ फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने लगे। वो लड़कियाँ थी, वो घूमने जा रही थी टूरिस्ट, तो बट मैंने उनके साथ मतलब वीडियो में नहीं शूट किया, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कर लो। और ये सारा मतलब कार में बैठी थी, फिर हमें मैगी, और हमें लेट हो रहा था, मम्मी की कॉल आ गई, तो फिर मैंने मिर्च मैगी खाई और साहिल ने सारा को लिया। मतलब ये थोड़ा रिस्की है, बट क्या करें, जो फैमिली मेम्बर्स में हम दोनों ही हों तो फिर ये मतलब मैं खाती हूँ तो साहिल को लेना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। हम आ गए थे देहरादून, हमने वो क्लिप शूट नहीं करी थी क्योंकि मतलब थोड़ा इमोशनल सा हो गया था, और सारा ने तो अपनी नींद भी पूरी करके उठ गई। और अब हमें ही आगे पता चला कि मम्मा ने लिया है रमज़ान की, मतलब रमज़ान की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो देखते हैं इनके रमज़ान की क्या। और ये इनका आई कार्ड है, मम्मी के सामान की उसमें आ गई है। सारू ये काम प्यार करते हुए ईसाई ये काम जरूरी थोड़ी है, ये है इनकी शॉपिंग। और ये अम्मार भाई बैठ के देख रहे हैं सारा सामान, और साहिल को ये बोतल अच्छी लग गई अपने जिम के लिए, वाइब्रेशन हो रही। ये अम्मार भाई चॉपर चलाते हुए, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा अभी तक के। लो साहिल तुम्हारा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट एडवांस। थैंक यू, गाइड में डाले काम से। चलो भाई चलो, बस हो गया इसका काम तो, चलो महंगा भी लग रहा है। अजी जी क्या आई थी, ये सबसे प्यारी चीज लगी, मतलब ड्राई फ्रूट केस, मुझे ये रमजान में इसमें जाएगा खाना। ये वाला हॉटपॉट अच्छा लग रहा था वीडियो कॉल में। ये कह रहे हैं इन्हें बर्बाद कर दिया यार, तुम्हें अच्छे लग रहे। ये भी प्यारे लग रहे हैं, वाओ व्हाइट के दो सेट लाइन, व्हाइट मम्मी का फेवरेट कलर है। तो ये सारे माइक्रोवेव सेव है, और ये इन्होंने लिए यहीं से देहरादून एक स्टोर से, कौन से स्टोर से लिया वो मुझे नहीं पता। तो अच्छा है, ये रमजान में हर चीज नई होनी चाहिए। ये है इनकी प्लेट्स, अच्छी लग रही, प्यारी डिजाइन भी अच्छा है इनका। और ये कब तो चल रही है, ये भी अच्छा। ये कॉफी मग, इनका चॉपर, ये भी बढ़िया है। और ये इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है दोनों को, फिर भी ये देख रहे हैं। ये जार,
ड्राई फ्रूट जार बहुत प्यारे होते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। इनकी शॉपिंग तो बढ़िया है, ये वाओ, ये कितने वाले कभी का बच्चा है। अम्मार भाई कह रहे जो ये पैसे सामान है वो पैसे दे दो मेरे, जरा ये मुझे सबसे प्यारी लगी। मामा की सारी शॉपिंग देखने के बाद हमने सोचा कि हम चाट और गोलगप्पे खाएं, तो हमने गोलगप्पे और चाट खाए और थोड़ी बातें करी। इस बार हमारा पूरा प्लान था कि हम इस बार नहीं घूमेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम एक दिन के लिए तो आए हैं, मतलब हमें मॉर्निंग में कल को निकलना था सहारनपुर के लिए, तो हम इतना ज़्यादा नहीं घूमना अफोर्ड कर सकते थे। तो हमें मतलब मगर मेरा आइसक्रीम खाना तो मस्ट होता है, और ये चीज़ मेरे भाइयों को भी पता है कि देहरादून आऊँ मैं और घंटा घर की आइसक्रीम ना खाऊँ तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं बास्किन एंड रॉबिन की खाती हूँ सहारनपुर में भी देहरादून में, बट मुझे जो वहाँ की लोकल आइसक्रीम है वो मेरी फेवरेट है। तो हम घंटा घर जा रहे थे, फिर हम घंटा घर पहुँचे, फिर ये देखो ये हमारा घंटाघर इतना प्यारा है, मतलब मैं सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपना घंटाघर, क्योंकि सहारनपुर में ऐसा कोई घर मतलब है नहीं ना क्लॉक टावर मतलब इस तरीके का जैसे हमारा है देहरादून का, हैशटैग देहरादून वाले। फिर हमने आइसक्रीम ली, और ये हम और सारा को तो आइसक्रीम मतलब ऐसा होता है बच्चों को तो खाना ही होती है, ये दोनों खा रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे दिख गए मोमोज वाले, जो कि बहुत टाइम से मैं इनके ही मोमोज खा रही हूँ, तो हमने इनके मोमोज लिए। मेरे फेवरेट है ये सीरियसली, मतलब देहरादून के मोमोज और आइसक्रीम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और अपनी मम्मी के हाथ का पता खा। तो फिर हमारा लाइव ब्लॉग यहीं तक का था। फिर मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी सहारनपुर आने के लिए, और हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद साहिल और एक आम कुछ बात से मिलने आए थे, तो ये मेरे कज़न है अदान भाई, तो सब मिलने आए थे, तो मेरा जाने का टाइम हो रहा था तो सब मिल रहे थे। और ये दादी ने सारा को लिया, ये जब हम आए थे ना तो सारा बिल्कुल नहीं जा रही थी दादी के पास, ये मेरी दादी हैं और सारा मतलब लास्ट में ऐसे हो रही है, और सबका ऐसा दिल हो रहा है थोड़ा और रुक जाओ थोड़ा और रुक जाओ, होता ही है मम्मी नहीं जाना मतलब इस तरीके। मेरी फूफो बड़ी वाली मतलब सब मिलने आ गए थे, और ये काम के पास से सारा आ ही नहीं रही थी, और ये हमारे वापस जाने का टाइम। मतलब मेरा ऐसा हो जाता है जब मैं सहारनपुर आती हूँ कि मतलब क्या छोड़ दिया, मतलब ऐसा वाला। अलाफिश अलाफिश, जा रहे हो आप? मेरे बेबी जा रहा है, अलाफिश। मम्मी हो रही है सैड, और सारा का दिल नहीं कर रहा जाने का। मिस यू। मेरे क्यों मजाक कर रहे हो? आओ सारा की न्यू शूज न्यू ड्रेस। चलो बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और एक छोटा सा व्लॉग था, और ये सारा जा रहे हैं।